हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। आप लोगों को पता है मोदी जी के कार्यकाल में बाला बाल कर देंगे कुछ ऐसे शेयर्स। गाइस, हमारे देश की सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए नई नई नीतियां लागू करते हुए देखी जा रही है, जिस कारण हमारे देश में लगातार अक्षय ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे देश में अक्षय ऊर्जा की मांग में बढ़ोतरी हो रही है, वैसे वैसे हमारे देश की अक्षय ऊर्जा कंपनियों के व्यापार में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गाइस, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र से जुड़ी हुई मतलब इन कंपनियों के व्यापार में वृद्धि होने के कारण इन कंपनियों में निवेश करना है, आप ये कह सकते हो इन्वेस्टर को एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। गाइस, ग्रीन एनर्जी कंपनियों में निवेश करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आपको इसलिए वीडियो पर पूरा एंड तक बने रहना पड़ेगा। मैं कुछ ऐसे कंपनीज बताने जा रही हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर साबित हो सकती है 2030 तक, जब तक मोदी जी का कार्यकाल रहेगा। ठीक है, तो आपको इन स्टॉक को पूरा वॉच मतलब वीडियो को पूरा वॉच करना है, इन स्टॉक के बारे में स्टडी करना है, देन उसके अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्ट करके चलना है। सो गाइस, मे बी आप लोगों के पोर्टफोलियो में कंपनीज हो, और अगर नहीं है तो जहाँ करेक्शन हो आप प्लीज़ उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलें। बट मैं आपको बता दूं कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप पहले खुद से स्टडी कर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले लेना, देन तभी आप उसको ऐड करके चलना। सो गाइस, सबसे पहली कंपनी है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन एनर्जी के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो आज के दिन देखिए 0.76% की तेजी देखने को मिल रही है, एंड मैक्सिमम इसने 6000% तक का रिटर्न दिया है। और अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे ना, देखिए ऐसे हमें चार्ट पैटर्न का देखने को मिलता है। 2018 में थी 2900 रुपये के प्राइस पे एकदम से बहुत ज़्यादा बूम आया, 2000 तक मैं 2800 तक गई, देन उसके बाद आपको पता है कि गिरावट हुई थी हल्की फुल्की सी जनवरी में, जो हिंडनबर्ग की बात जो बात थी यहाँ से, मतलब करीब आप कह लीजिए ये स्टॉक 83% तक टूट चुका था। ठीक है, और आप लोगों को कौन सी रेंज में मिला था अगर बताऊँ तो मैं आप लोगों को ये आपको देखो 500 तक की रेंज में आ गया था, एंड नाउ अगेन आपको ये 1800 की रेंज में देखने को मिल रहा है। तो गाइस, अडानी ग्रीन एनर्जी और सौर ऊर्जा एंड पवन ऊर्जा उत्पादक कंपनी है। ठीक है, कंपनी के पास 2434 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो इस देश की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कंपनियों में से एक बना देती है। इस कंपनी के मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हैं 2,00,000 करोड़ का है। मौजूदा समय में इस स्टॉक का प्राइस अभी आप देख ही पा रहे होंगे कि 1882 रुपये देखने को मिलता है, एंड 52 वीक हाई देखोगे तो 2000 मतलब 2174 बनाया है, और इसने लो 815 रुपये बनाया है। तो गाइस, अधिकतम मूल्य पे तो ये आपको नहीं मिल रही है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे है, तो अभी आप इसको बाय करने का सोच के चल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी हमारी NHPC निकल कर आती है। NHPC के बारे में बता दूँ तो आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिली है 0.68% की, और मैक्सिमम अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने 190% का रिटर्न दिया है, और 2009 में आई थी 35 रुपये के प्राइस पे, एंड 5 साल में 316% का, साल एक साल में 127, और साल भर में आप देख सकते हो 54% का रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस, ये कंपनी जल विद्युत परियोजना का संचालन कर ऊर्जा उत्पादन करती है। इस कंपनी की ऊर्जा उत्पादन क्षमता 6434 मेगावाट है। कंपनी के देश में 8 विद्युत मतलब पावर परियोजनाएं हैं, एंड इस कंपनी का मार्केट कैप अगर मैं बात करूं तो इसका भी कम से कम 1,00,000 करोड़ का है, एंड 52 वीक हाई इस कंपनी का, अगर स्टॉक का 52 वीक हाई देखोगे 118 और लो 43.95 रुपये है, तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा जान पड़ता है। देखिए, है तो कंपनी है लार्ज कैप, बट आने वाले टाइम में इनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, अभी भी इतनी कैपेबिलिटी रखती है। इरेडा के बारे में तो जोर शोर से आप लोगों ने सुना ही है, 0.70% की फिलहाल तो उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। गाइस, इसके बारे में अगर बताऊँ, मैक्सिमम जो कि ये अभी हाल फिलहाल में आई थी 2023 में 1 दिसंबर को, और इसने 185 का रिटर्न दिया है। ठीक है, साल भर में अगर आप देखोगे 198% 200% का रिटर्न देखने को मिलता है एक साल के अंदर। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाओं के रख रखाव और संचालन के लिए फाइनेंशियल सहायता प्रदान कराती है इरेडा। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैप अगर बात की जाए तो ये एक तरीके की मिड कैप कंपनी है, 48,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इस कंपनी के शेयर का प्राइस जैसे कि अभी आप देख रहे हो कम से कम 179.25 रुपये पे देखने को मिल रहा है, तो इसका 52 वीक हाई 214 रुपये था और लो 50 रुपये। तो गाइस, मेरी नज़र में तो ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर पिछले 6 मंथ में देखा जाए तो। हाँ ठीक है, अभी अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा मतलब करेक्शन 14% की करेक्शन पर मिल रहा है,
तो अभी भी आप इसके बारे में एंट्री का सोच सकते हो। नेक्स्ट गाइस हमारी सुजलोन निकल के आती है। सुजलोन में कहा जा रहा है कि इनके पद को छोड़ा गया है, तो फिलहाल उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सुजलोन में देखिए 5% के आसपास गिरावट आ गई है, लेकिन ये कहीं ना कहीं 53 रुपये के प्राइस को भी अचीव कर सकता है, नियरेस्ट टारगेट प्राइस का। गाइस आपको पता है यह कंपनी भी पवन चक्कियों का निर्माण करती है, जो कि आपको पता है सोलर वाली जो चक्कियाँ होती है, सॉरी विंड 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 पावर वाली जो चक्कियाँ होती हैं। इस कंपनी का व्यापार भारत के साथ साथ 17 और भी देशों में है। कंपनी का मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो 64,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। एंड अगर आप देखोगे 52 वीक का 52.10 रुपये है और लो 13.20 रुपये देखने को मिलता है। एंड ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो अभी भी आपको ये काफ़ी अच्छे प्राइस पे देखने को मिल रही है। SJVN के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गाइस SJVN जो कि आज के दिन में 0.32% की गिरावट देखने को मिली है। यह कंपनी जल विद्युत परिवहन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उत्पादन करती है। इस कंपनी की ऊर्जा उत्पादक क्षमता 2,227 मेगावाट है। इस कंपनी का मार्केट कैप अगर देखा जाए तो 52,000 करोड़ का है और 52 वीक हाई इसका 161 और लो 36 रुपये देखने को मिलता है। तो गाइस मेरी नज़र में तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। देखिए अगर आप देखोगे ना मैक्सिमम इसने आपको 436% का रिटर्न बनाकर दिया है। एंड 2010 में 24 रुपये के प्राइस पे थी, जैसे 5 साल के अंदर आप देखो 431 एंड 1 साल के अंदर 248, मतलब 250% का रिटर्न 1 साल के अंदर मिला। तो पैसा तो आप सोचो कितना गुना कर दिया। एंड अभी भी काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब लाइक करेक्शन मोड पे मिल रही है, 12% के डिस्काउंट पे आप ये कह सकते हो, क्योंकि 1 साल के अंदर जो उसने अपना हाई बनाया है वो है 150 रुपये और अभी आपको 130 से 132 के लेवल मिल रही है। तो एक ही गुड एंट्री पॉइंट है, ठीक है। गाइस यही सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली मैं बताऊँ। तो गाइस सुजलोन में जो आज गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्चुअल में क्या है, सुजलोन एनर्जी के शेयरों में कमजोरी क्यों है, क्यों आई आज के दिन, लाइक जो इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं उन्होंने पद छोड़ा है। एंड सुजलोन एनर्जी के बोर्ड में शामिल एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने शनिवार को ही मतलब थर्सडे के दिन 8 जून को इस्तीफा दे दिया है। गाइस मतलब लाइक आप ही कह लीजिए, अब जो नोमा है, जो ब्रोकरेज फर्म है, उसने सुजलोन एनर्जी के शेयर को खरीदने की सलाह दी है, बट उसका टारगेट प्राइस भी 53 बताया है। अब देखिए ये तो चीज़ हो गई कि इन्होंने पद छोड़ा, और सुजलोन एनर्जी के शेयर में भी आपने देखा एक महीने में नियर अबाउट अगर आप देखोगे तो 20% की तेजी थी। एंड 6 मंथ में अगर आप देखोगे तो 22% की तेजी थी, जो कि अब गिरावट के साथ देखने को नहीं मिल रही है। देखिए वैसे तो सुजलोन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने अगर पर छोड़ा है वो भी जल्दी से फेल हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे ना कि आज स्टॉक में इतना हैवी फॉल क्यों आया, तो रीज़न यही रहा है, ठीक है, इसके इंडिपेंडेंट पद की वजह से। बाकी इस कोई और नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं। तो मेरी नज़र में ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली और जो मोदी जी ने प्रोमिसज किया उसके अकॉर्डिंगली, तो ये अडानी पावर हो गया आपका, NHPC हो गया, इरेडा हो गया, और आपका सुजलोन एनर्जी हो गया, और SJVN हो गया। ये मेरी नज़र में काफ़ी अच्छे स्टॉक मुझे देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप भी खुद से स्टडी करके चेक करके इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो। सो गाइस बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।